आज मसाला किचन में बन रहा है घर में बना हुआ कॉर्नफ्लोर। बहुत सारे व्यूअर्स का यही कहना होता है कॉर्नफ्लोर ना हो तो। कॉर्नफ्लोर है क्या चीज़, आरारोट है क्या चीज़, तो चलिए आज बताती हूँ कॉर्नफ्लोर घर में कैसे बनाएं। जब भी हम कोई चीज़ घर में बनाते हैं तो हमें पूरा ट्रस्ट होता है कि ये चीज़ हार्मफुल नहीं है, ये हमने खुद बनाई है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉर्नफ्लोर और आरारोट में अंतर क्या है। कॉर्नफ्लोर किससे बनाया जाता है? कॉर्नफ्लोर उस भुट्टे के दानों से बनाया जाता है, उस मक्के के दाने से बनाया जाता है जिससे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं। छिलके के साथ अगर सुखा दिया जाए मशीनों में और उसे मशीन में पिसवाया जाए तो उसे कहते हैं हम मक्के का आटा, जो हम सर्दियों में बहुत प्रेम से खाते हैं, और वो होता है थोड़ा मोटा और थोड़ा पीला। और अगर मशीनों से इसके छिलके हटा दिया जाए और उसके बाद जो वाइट पार्ट है उसे पीस कर उसे बनाया जाता है कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, इसलिए इसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। इस सफ़ेद हिस्से को पीस कर कॉर्नफ्लोर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है आरारोट, वो भी सेम वही काम करता है, बाइंडिंग का ही काम करता है, लेकिन वो भुट्टे के दाने से, मक्के के दाने से नहीं बनता है। वो एक पौधे की जड़ होती है, बिल्कुल शकरकंदी जो होती है ना वैसी, उसका छिलका हटाकर उसके अंदर के पार्ट को अच्छे से धोकर मशीनों से, उसके बाद उसे सुखाकर उसे पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम आरारोट कहते हैं। अब आप आरारोट और कॉर्नफ्लोर के बारे में जान गए हैं कि, तो यहाँ लिए मैंने नॉर्मल भुट्टे के दाने। जो नॉर्मल भुट्टे के दाने हैं, मैंने 3 भुट्टे ले लिए हैं और इन्हें मैंने छील लिया है। छीला कैसे जाता है वो मैंने माँ ये कैसे करूँ चैनल पर आपको रेसिपी दी है। अब इसे हम भिगो के ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। जितना ये भीगेगा उतना ही ये बढ़िया पिस पाएगा, क्योंकि घर में जो नॉर्मल मिक्सी होती हैं उसमें वो परफेक्ट पिसना भी चाहिए। लीजिए, ये ओवरनाइट भीगने के बाद अच्छा फूल सा गया है। इसे हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इसका पानी हटा के मैंने साफ पानी डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्सी में 2 बार में पीस रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और बाकी ये कॉर्न के साथ। इसे अच्छे से कोशिश कीजिए पीसने की। एक बोल में पलटती जा रही हूँ और इसे दूसरा भी जो पार्ट है इसका, उसे भी मैं पीस लेती हूँ। पानी डालने का कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसमें पानी डालिए जिससे वो बहुत अच्छे से पीस सके। अब हमारे पास ये 3 जो भुट्टे थे उन सबको हमने पीस लिया है। इसे हम एक छन्नी में छान लेते हैं। आप चाहें तो अगर पिसाई अच्छे से नहीं हुई है तो एक बारीक कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। इसे बहुत अच्छे से छान लीजिए। इसमें थोड़ा और साफ पानी डाल दीजिए, जिससे जो भी इसमें कॉर्नफ्लोर निकल सकता है उसे हम निकाल लेंगे। और डिपेंड करता है कितना कॉर्नफ्लोर कितने भुट्टे में, ये भुट्टा कितना मोटा है, कितना मोटा दाना है, उस पर डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा मोटे दाने वाले भुट्टे नहीं थे, इसलिए ये नॉर्मली थे। अब मैंने इसे पानी डाल डालकर बहुत अच्छे से छान लिया है। अब ये जो पानी वाला पार्ट है इसे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बिना हिलाए इसे रख दूंगी एक तरफ कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर ज़्यादा टाइम रखने वाले हैं कभी शाम को बना रहे हैं तो ओवरनाइट आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। बाहर रखेंगे तो शायद स्मेल आ सकती है, अगर यहीं रखेंगे तो 2-4 घंटे आप बाहर रख सकते हैं। अब ये जो हमने छाना हुआ पार्ट है उसे भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, इसे भी आप इस तरीके से सुखा दीजिए। धूप है तो बहुत बढ़िया, धूप लगना जरूरी है, पर अगर धूप नहीं भी है तो आप इसे फैन के नीचे अच्छे से 1 दिन में 2 दिन में अच्छे से सुखा दीजिए। ये छिलके भी बिल्कुल काम आएंगे, क्या काम आएंगे मैं आपको बताऊंगी। इसे मैं धूप में रखने जा रही हूँ।
अब 4 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो ऊपर ऊपर पूरा पानी आ गया है और नीचे कॉर्नफ्लोर जमा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल पानी हो गया है। इस पानी को पहले हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये पानी भी बिल्कुल ख़राब नहीं है। अगर आप स्वीट कॉर्न सूप बनाने वाले हैं तो इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे चम्मच की हेल्प से भी सारा पानी निकालते जाइए। जो नीचे गाढ़ा पार्ट है उसे आप छोड़ दीजिए। नीचे जम सा गया है इसे एक थाली में डाल दीजिए। अभी आपको येलो लग रहा है, जब ये धूप में सूखेगा इसका कलर काफ़ी लाइट हो जाएगा। इसे आप अच्छे से धूप में सुखा दीजिए। जब हम इसका कॉर्न स्टार्च बनाने जा रहे हैं तो आपको इसे धूप दिखाना ज़्यादा अच्छा है, पर कभी धूप नहीं निकलती है तो सुखाना अच्छा है। भले ही आप पंखे में सुखाइए पर जब तक वो परफेक्ट सूखे नहीं उसे छानिए मत। यहाँ देखिए बिल्कुल उसकी पपड़ियाँ हो गई हैं और ये जो मैंने छिलके सुखाए थे वो भी बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं। ये जो कॉर्नफ्लोर है बिल्कुल कैसा हो गया, जैसे चौक की तरह बिल्कुल चिपक सा गया है, लेकिन मुझे 2 दिन लगे इसे धूप में सुखाने में। अब इसे मैं मिक्सी में पीस के दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो हाथों से मल के इसे छान भी सकते हैं या फिर मिक्सी में पीसेंगे तो सब एक सा हो जाएगा। बिल्कुल फाइन पाउडर कर लीजिए। बिल्कुल जो कॉर्नफ्लोर हमें मशीनों से बनकर तैयार हो जाता है वही कॉर्नफ्लोर आपने अपने घर में तैयार किया है। जिस तरीके से गेहूं होती है, गेहूं का छिलका हटा के मैदा बनाया जाता है, बस उसी तरीके से मक्के के आटे को, मक्के के छिलकों को हटाकर उसको कॉर्नफ्लोर बनाया जाता है। अब इस बारीक वाले पार्ट को कॉर्नफ्लोर की तरह यूज़ कीजिए, किसी में भी बाइंडिंग के लिए, किसी सब्जी को बनाने के लिए, किसी को गाढ़ा करने के लिए, सूप बनाने के लिए, या फिर आप इसे किसी पुडिंग में बनाने के लिए। आपको यकीन हो रहा है ये घर में कॉर्नफ्लोर आपने बनाया है। अभी जो छिलके हैं उसका भी यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगी। अब जो ये छिलके हैं ये भी काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, कलर भी इसका भी काफ़ी लाइट हो गया है, इसे भी पीस लीजिए। अब ये आपके किस काम आएंगे, खास बात है ये, जिस भी चीज़ में आप ब्रेड क्रम्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे किसी आलू की टिक्की के ऊपर या फिर आप किसी स्नैक्स के ऊपर या पिज़्ज़ा बेस जो होता है उसे जब हम बेलते हैं तो नीचे आपको पता होगा एक कॉर्न मील डाला जाता है। तो कॉर्न मील मतलब यही चीज़ है। इसे अगर आप नीचे डालकर पलोतन की तरह अगर आप पिज़्ज़ा का बेस आप बेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। किसी भी स्नैक्स को आप इसमें रैप करेंगे वो स्नैक्स आपका बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आप इसे पकौड़े में डाल सकते हैं, पराठे में डाल सकते हैं। ये बहुत ही इसका छिलका जैसे सूजी होती है गेहूं के छिलके से बनती है, यूँ समझ लीजिए ये मक्के के आटे की सूजी है। तो इसका आप उपमा बना सकते हैं, किसी में भी डालकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल मत फेंकिए, ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं। तो मैंने आपको एक भुट्टे से बनाकर दिखा दिया है कॉर्नफ्लोर कैसे बनाया जाता है, कॉर्न मील कैसे बनाया जाता है, और मक्के का आटा आप सभी जानते हैं जिससे हम नाचो चिप्स खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। तो अब आपने देखा ना कॉर्नफ्लोर बनाना कितना आसान है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे आप घर में ही बनाइए, लेकिन ये तो देख लिया, ये ट्रस्ट है कि कॉर्नफ्लोर हार्मफुल नहीं है। तो कुल मिला के ये बहुत हेल्दी होता है। इसे आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।